हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज के इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं 110 सीसी सेगमेंट्स की दो बाइक को। एक है बजाज सिटी 110 एक्स और दूसरी है बजाज प्लैटिना। तो वीडियो में करेंगे इन दोनों बाइक्स को कंपेयर इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस, फीचर्स और क्या क्या चेंजेस इन दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बट बिफोर स्टार्ट टू दिस वीडियो, अगर आप बजाज का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं तो स्वदेशी बजाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी। सो डोंट टेक अ लॉन्ग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइस वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस की बात करें अगर इन दोनों बाइक्स की, तो बजाज प्लैटिना में आपको तीन वेरिएंट्स और काफ़ी कलर ऑप्शंस इस बाइक में अवेलेबल होंगे। वेरिएंट्स की बात करें तो जो इसका पहला वेरिएंट है उसमें आपको दोनों साइड में ड्रम्स अवेलेबल होंगे, और उस वेरिएंट का प्राइस 61,000 के करीब रहने वाला है। दूसरे वेरिएंट की बात करें तो दूसरे वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, और उस वेरिएंट का प्राइस 63,000-64,000 एक्स शोरूम के करीब रहने वाला है। और इसका जो टॉप मॉडल वेरिएंट है वो है इसका ABS वेरिएंट, इसे बजाज ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, और उस वेरिएंट का प्राइस 67,000 के करीब एक्स शोरूम रहने वाला है। वहीं बजाज सिटी 110 एक्स के प्राइस, फीचर्स और वेरिएंट्स की बात करें तो इस बाइक में आपको दो वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे। एक वेरिएंट 110 के नाम से देखने को मिलता है, और दूसरा वेरिएंट जो है वो है सिटी 110 एक्स, जिसका हम अभी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो वेरिएंट्स की बात करें तो जो इसका पहला वेरिएंट है उसका प्राइस 53,000 एक्स शोरूम के करीब रहने वाला है। इस वेरिएंट का प्राइस 56,000 के करीब एक्स शोरूम रहने वाला है। और सिटी 110 एक्स के अगर कलर्स की बात करें तो ये बाइक आपको चार कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होने वाली है, और जो कलर हम अभी एक्सप्लोर करेंगे ये है ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रंट से अगर इन दोनों बाइक्स के लुक्स की बात की जाए तो फ्रंट से दोनों बाइकों का लुक काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है। और फ्रेम की बात की जाए तो दोनों बाइकों में सिंगल डाउन ट्यूब विद लोअर क्रैडल फ्रेम यूज़ किया गया है। लाइट्स की बात करें तो दोनों बाइक हैलोजन बल्ब के साथ अवेलेबल होंगी, और दोनों बाइकों में आपको DRS देखने को मिल जाते हैं। क्लोज़र लुक से एक बार प्लैटिना का लुक देख लेते हैं, तो फ्रंट में जो प्लैटिना का लुक है वो इस टाइप का रहने वाला है, और वाइजर इस टाइप का अवेलेबल होगा। साइड विंकर्स की बात करें तो हैलोजन बल्ब के साथ साइड विंकर्स अवेलेबल होंगे, और प्लैटिना में जो साइड विंकर्स हैं वो आपको इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। वहीं सिटी 110 एक्स के अगर लुक्स की बात की जाए तो फ्रंट में आपको राउंड शेप की हैलोजन हेडलाइट अवेलेबल होगी, और यहाँ पे आपको जो DRLs हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हेडलाइट की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको जो ग्रिल्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं। नंबर प्लेट के ब्रैकेट की बात करें तो सिटी 110X में नंबर प्लेट का ब्रैकेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और प्लैटिना में जो नंबर प्लेट का ब्रैकेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट से अगर दोनों बाइकों के सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइकों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं, और प्लैटिना में जो सस्पेंशन है वो ऐसे देखने को मिलते हैं, और जो सिटी 110X में है वो सस्पेंशन का लुक ऐसा रहने वाला है। सिटी 110X में आपको सस्पेंशन में रबड़ बेलोज भी देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट से अगर फ्रंट फेंडर की बात करें तो दोनों बाइकों के जो फ्रंट फेंडर है उनमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्लैटिना का जो फ्रंट फेंडर है वो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको साइड में स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं सिटी 110X का जो फ्रंट फेंडर का लुक है वो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, और टायर्स और फ्रंट फेंडर में गैप भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। प्लैटिना में आपको इतना गैप दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, और सस्पेंशन में दोनों सस्पेंशन में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। टायर्स की बात करें तो प्लैटिना में जो फ्रंट में टायर्स अवेलेबल होंगे वो 80x100 के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, और प्लैटिना में जो अलॉयस का लुक है वो जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का देखने को मिलेगा। फ्रंट में अगर प्लैटिना की डिस्क की बात करें तो इस बाइक में आपको 240mm की फ्रंट में डिस्क अवेलेबल होगी, और ड्रम के साथ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रम्स के साथ भी ये बाइक अवेलेबल होने वाली है। तो जो ड्रम का साइज़ इस बाइक में रहेगा वो 130mm के ड्रम्स इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। सिटी 110X के अगर फ्रंट में टायर्स की बात की जाए तो इस बाइक का जो टायर है वो 2.75 का टायर्स इस बाइक में अवेलेबल होगा, और जो टायर्स का जो डिज़ाइन है वो पैटर्न टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, ब्लॉक पैटर्न, और नोबी टायर्स इस बाइक में अवेलेबल होंगे। इस बाइक में आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता। टायर्स की बात करें तो प्लैटिना में आपको ट्यूबलेस टायर्स अवेलेबल होंगे, और सिटी 110X में जो टायर्स हैं वो आपको ट्यूब के साथ ही अवेलेबल होंगे। तो जो फ्रंट से दोनों बाइकों का जो टायर्स और सस्पेंशन का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों बाइक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल होने वाली है, और ड्रम्स की बात करें तो प्लैटिना में भी आपको फ्रंट में ड्रम्स का ऑप्शन अवेलेबल होगा,
ड्रम साइज़ की बात करें तो दोनों बाइकों में जो ड्रम का साइज़ रहने वाला है वो फ्रंट में 130 mm के ड्रम्स दोनों बाइक्स में अवेलेबल होंगे। प्लेटिना में आपको एक ABS का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, तो जो प्लेटिना है उसका ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है कम्पेयर टू CT 110X। साइड से अगर दोनों बाइक्स के लुक्स और डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों बाइकों का लुक काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है एक दूसरे से। प्लेटिना का लुक थोड़ा स्टाइलिश और इस टाइप का देखने को मिलता है, और CT 110X का जो साइड का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। दोनों बाइक के अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक दोनों बाइकों में अवेलेबल रहने वाला है। डिज़ाइन की बात करें तो प्लेटिना का जो फ्यूल टैंक है वो आपको इस टाइप का देखने को मिलता है, और जो CT 110X का लुक है वो थोड़ा इस टाइप का देखने को मिलता है। CT 110X का जो फ्यूल टैंक है वो थोड़ा बल्कि और मस्कुलर टाइप का देखने में मिलता है। CT 110X में आपको यहाँ पे साइड में रबर पैड भी देखने को मिल जाता है। इस टाइप के ग्राफिक्स CT 110X में अवेलेबल होंगे, और प्लेटिना में इस टाइप के आपको जो ग्राफिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड कवर की बात करें तो जो साइड कवर है वो ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो प्लेटिना है वहाँ यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशनिंग या फिर कोई भी स्टिकर देखने को नहीं मिलेगा, वहीं CT 110X में आपको CT 110X का स्टिकर देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो साइड का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। अगर दोनों बाइक्स के लुक्स और ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो जो प्लेटिना का साइड से लुक है वो ऐसा रहेगा, और CT 110X का जो इस साइड से लुक है वो ऐसा देखने को मिलता है। साइलेंसर प्रोफाइल की बात करें तो प्लेटिना का जो साइलेंसर का लुक है वो इस डिज़ाइन का देखने को मिल जाता है, और CT 110X में जो साइलेंसर का लुक है वो ऐसा रहेगा। CT 110X में जो साइलेंसर का कवर है वो इस डिज़ाइन का आपको देखने को मिलता है, और जो प्लेटिना है उसमें आपको साइलेंसर कवर ऐसा रहेगा। सस्पेंशंस की बात करें तो प्लेटिना में आपको नाइट्रॉक सस्पेंशंस अवेलेबल होंगे, और CT 110X में आपको जो सस्पेंशंस हैं उनमें स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशंस देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग्स की बात करें तो रियर में दोनों बाइकों में आपको ड्रम्स अवेलेबल होंगे, और जो ड्रम्स का साइज़ जो रहने वाला है वो 110 mm के ड्रम साइज़ आपको दोनों बाइकों में देखने को मिलते हैं। तो जो साइड से जो दोनों बाइकों का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। प्लेटिना की जो साइड से जो सीट का लुक है वो ऐसा रहेगा, और CT 110X की जो साइड से लुक है वो ऐसा रहेगा। इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों बाइकों में जो इंजन है कैपेसिटी है वो भी सेम रहने वाली है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम ही रहेगी। 115cc डिस्प्लेसमेंट का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन है वो यूज़ किया गया है दोनों बाइकों में। ट्रांसमिशंस की बात करें तो प्लेटिना में 5-स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है, और CT 110X में आपको 4-स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलेगा। इंजन लुक की बात करें, इंजन डिज़ाइन की बात करें तो जो प्लेटिना का जो इंजन का डिज़ाइन है वो आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कैटलिटिक कन्वर्टर अवेलेबल होगा, और यहाँ पे जो बजाज का स्टिकर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो साइड से जो प्लेटिना का लुक है वो ऐसा रहने वाला है, और CT 110X का जो इंजन का डिज़ाइन है वो ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको जो बजाज का स्टिकर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और कैटलिटिक कन्वर्टर यहाँ पे अवेलेबल होगा, और कैटलिटिक कन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको एक कवर भी देखने को मिल जाता है। इंजन परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इंजन परफॉर्मेंस है वो भी दोनों बाइकों की सेम रहने वाली है। 8.6 PS की पावर दोनों बाइकों में अवेलेबल होगी, और जो टॉर्क जो इंजन प्रोवाइड्स करेंगे वो 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये दोनों इंजन्स प्रोवाइड करेंगे। तो इंजन स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लेटिना में आपको 5-स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम अवेलेबल होगा, और CT 110X में आपको 4-स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिलता है। हैंडल बार और मीटर कंसोल की बात की जाए तो दोनों बाइकों का जो मीटर कंसोल है और जो हैंडल बार का डिज़ाइन है वो ऐसा रहने वाला है। बजाज प्लेटिना में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में देखने को मिलता है, बट CT 110X में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल होगा। प्लेटिना के अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो स्पीडोमीटर का जो डिज़ाइन है वो ऐसा रहने वाला है, और जो फ्यूल गेज है वो एनालॉग आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। बजाज की जो मैंशनिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और जो की का डिज़ाइन है वो ऐसा रहने वाला है। स्विचेज़ की बात करें तो इस टाइप के डिज़ाइन के स्विचेज बजाज प्लेटिना में अवेलेबल होंगे, और यहाँ पर आपको कोई भी क्रॉस पाइप देखने को नहीं मिलेगा बजाज प्लेटिना में। वहीं CT 110X के हैंडल बार और लुक्स की बात की जाए तो जो मीटर कंसोल का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक में अवेलेबल होगा, स्पीडोमीटर इस टाइप का अवेलेबल होगा, और जो फ्यूल गेज है वो भी इस टाइप का रहने वाला है। यहाँ पे आपको बजाज की मेंशनिंग भी दिख जाती है। की बात करें तो जो की का डिज़ाइन है वो ऐसा रहने वाला है। एक बार मीटर कंसोल को ऑन कर लेते हैं तो एज़ यूज़ुअल यहाँ पर आपको जो न्यूट्रल की लाइट है वो देखने को मिल जाती है, और इंजन लाइट यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। हैंडल बार की बात करें तो जो CT 110X का जो हैंडल बार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक क्रॉस पाइप भी अवेलेबल होगा, और यहाँ पे रबर पैडिंग भी की गई है। स्विचेस की बात करें तो जो स्विचेस हैं वो भी इस डिज़ाइन के आपको CT 110X में देखने को मिलते हैं। टॉप से अगर दोनों बाइक के फ्यूल टैंक के लुक की बात करें तो टॉप से जो दोनों बाइकों का जो फ्यूल टैंक है वो इस टाइप का डिज़ाइन दोनों बाइकों में आपको रहने वाला है। बजाज प्लेटिना में यहाँ पर आपको रबर पैड भी देखने को मिलते हैं, बट जो CT 110X है उसमें आपको जो रबर पैड है वो साइड में अवेलेबल होंगे।
तो जो टॉप से दोनों बाइकों का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। रियर से अगर इन दोनों बाइक्स के लुक्स की बात की जाए तो रियर से जो दोनों बाइकों का लुक है वो ऐसा रहने वाला है। प्लेटिना का जो रियर से लुक है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कम्पेयर टू CT 110X, और जो लाइट का डिज़ाइन है वो भी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है कम्पेयर टू CT 110X। लुक्स की बात करें तो इस टाइप का लुक दोनों बाइकों का रहने वाला है। रियर में हैलोजन बल्ब के साथ ये लाइट्स अवेलेबल होने वाली हैं। साइड विंकर्स की बात करें तो प्लेटिना में जो साइड विंकर्स हैं उनका डिज़ाइन आपको ऐसा देखने को मिलता है, और CT 110X में आपको जो साइड विंकर्स का डिज़ाइन है वो ऐसा रहेगा। रियर में अगर फेंडर्स की बात करें तो इस डिज़ाइन का आपको फेंडर्स देखने को मिल जाते हैं, और जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो प्लेटिना में आपको जस्ट लाइट के नीचे देखने को मिलते हैं, और CT 110X में जो रिफ्लेक्टर है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो रियर से जो डिज़ाइन है वो ऐसा रहने वाला है। रियर से अगर ग्रैब होल्डर्स की बात करें तो जो प्लेटिना है उसमें आपको इस टाइप का जो ग्रैब होल्डर है वो देखने को मिलता है, और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है कम्पेयर टू CT 110X। और CT 110X में जो रियर में लुक है वो ऐसा रहेगा। यहाँ पे आपको एक कैरियर भी देखने को मिलता है। कैरियर की कैपेसिटी की बात करूँ तो जो ये कैरियर है वो 7 से 8 kg तक का वेट कैरी कर सकता है, और पिलियन की सेफ्टी के लिए कम्फर्ट के लिए यहाँ पे आपको एक रबर पैडिंग भी देखने को मिलती है। रियर से अगर लुक्स की बात की जाए तो लाइट के ऊपर प्लेटिना में आपको यहाँ पे जो प्लास्टिक पार्ट है वो देखने को मिलता है, और CT 110X में आपको यहाँ पे कोई भी जो प्लास्टिक पार्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो प्लेटिना है उसमें आपको साइड कवर भी देखने को मिल जाता है, बट CT 110X में आपको यहाँ पे कोई भी साइड कवर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो ग्रैब होल्डर है उसका पाइप का जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। टायर्स की बात करें तो जो रियर में जो टायर का डिज़ाइन है वो ऐसा रहेगा। टायर साइज़ की बात करें तो जो प्लेटिना है उसमें आपको 80x100 में रियर के टायर्स अवेलेबल होंगे, और CT 110X में आपको जो टायर साइज़ है वो 3 का जो टायर साइज़ है वो रहने वाला है। डिज़ाइन की बात करें तो CT 110X में आपको सेमी नोबी टायर्स देखने को मिल जाते हैं, बट प्लेटिना में आपको जो टायर्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। इस टाइप का डिज़ाइन है जो रहने वाला है। ट्यूबलेस टायर प्लेटिना में अवेलेबल होंगे, बट CT 110X में आपको जो ट्यूबलेस टायर हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। ट्यूब के टायर्स इस बाइक में अवेलेबल होंगे। वेट और डायमेंशंस की बात करें अगर इन दोनों बाइक्स की, तो प्लेटिना का जो टोटल वेट है वो 123 kg के अराउंड इस बाइक का टोटल वेट रहेगा। वहीं CT 110X का जो टोटल वेट है वो 127 kg के अराउंड इस बाइक का वेट रहने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो प्लेटिना में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। 200 mm के करीब इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। वहीं CT 110X के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा वो 170 mm के करीब इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो CT 110X की जो सीट हाइट है वो 810 mm के करीब इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है, और प्लेटिना की जो सीट हाइट रहेगी वो 807 mm के करीब इस बाइक की सीट हाइट रहने वाली है। इन दोनों बाइकों में से आपको कौन सी बाइक 110cc सेगमेंट में कंसिडर करनी चाहिए अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक खरीदने की सोच रहे हैं? तो अगर आप एक स्टाइलिश बाइक देख रहे हैं कम बजट में तो आप प्लेटिना को कंसिडर कर सकते हैं। इस बाइक का जो लुक है और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम भी इस बाइक में ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। बट अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिसमें एक आपको अच्छी माइलेज मिले और आप थोड़ा बहुत वेट भी कैरी कर सकें, अपना सामान भी कैरी कर सकें, तो आप CT 110X को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। सो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।